नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जसपाल सिंह और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल गिल ट्रक बॉडीज माना पर। जैसे कि आप देख सकते हो, हमारे ठीक सामने खड़ा है टाटा सिग्ना का घोड़ा और 4623, और इसका हम आपको फुल रिव्यू आज गाड़ी का करवाएंगे। इस गाड़ी का कैसे कंपनी ने सिस्टम दिया है वो सारा आपको वीडियो में बताएंगे। और गाड़ी वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा कैसी आपको वीडियो लगी। सबसे पहले देख सकते हो आप, दो कलर गाड़ी में ऑप्शन आ रहे हैं अभी, एक ऑरेंज कलर और एक आर्कटिक वाइट कलर, दोनों कंपनी आपको कलर दे रही है और बहुत ही सक्सेसफुल घोड़ा ये माना गया था। इसके जो ग्रोथ वेट है वो आप देख सकते हो, यहाँ 45 टन 500 kg आप इस गाड़ी में लोड कर सकते हो ट्यूबलेस टायर्स के साथ। मिनिमम आप लोड कर सकते हो इसमें ट्यूब टाइप के साथ 44 टन, 4x2 इसकी एक्सल कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पे देख सकते हो आप। ₹400 की कैपेसिटी के साथ डीजल टैंक की आपको साथ में ऑप्शन यहाँ पे मिल रही है और SCR टेक्नोलॉजी पर एक गाड़ी काम कर रही है। इसकी एड ब्लू की टैंकी है वो कनेक्टर साइड दी गई है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ये थोड़ी सी गलत पोजीशन पर दी गई है क्योंकि उसको साथ में चाहिए था। अगर कस्टमर चाहे तो यहाँ पे आपको डीजल टैंकी की ऑप्शन रहती है क्योंकि 400 लीटर की डीजल टैंकी कम पड़ जाती है कई बार ज़्यादा लॉन्ग रूट पर, तो उसको एडजस्ट करना पड़वाता है कंपनी की तरफ से, उसको थोड़ा सा उस साइड कैबिन के अंदर लगवाना पड़ता है। स्पेयर टायर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको स्पेयर टायर का ऑप्शन, यहाँ से ये स्पेयर टायर आपका हट जाएगा और जो ट्राली बनेगी इसकी उसमें ही स्पेयर टायर का ऑप्शन वहाँ पे लग जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो टी कैब का ऑप्शन भी साइड पर दिया गया है। तो जो इस गाड़ी का जो कैबिन है वो देख सकते हो, वो लिफ्ट नहीं होता, इस गाड़ी का कैबिन सस्पेंशन कैबिन अकेला लिफ्ट नहीं हो पाता वो गाड़ी। सर्विस इंटरवल जो आपका इस 80,000 किलोमीटर के बाद गाड़ी का ऑयल चेंज करना पड़ता है। ट्रांसमिशन 9-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के भी और 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ भी गाड़ी आती है, मैनुअल दोनों में आपको ऑप्शन में मिल जाती है। जो इस गाड़ी का हॉर्स पावर इंजन है वो 230 हॉर्स पावर का गाड़ी का इंजन है, 2500 RPM पर। टॉर्क इसकी जो मैक्सिमम 850 टॉर्क 1300 और 1800 RPM पर आपको साथ में यहाँ पर मिलेगी। क्यूमिंग्स का इंजन है, 5.9 CRDI इंजन गाड़ी में यहाँ पे आपको साथ में मिलेगा। 6 सिलेंडर गाड़ी का इंजन यहाँ पे आपको साथ में मिलेगा। फ्यूल इंजेक्शन की बात की जाए तो कॉमन रेल फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम इंजन में आपको साथ में मिलता है। इंजन डिस्प्लेसमेंट 5883 की आपको सीसी की, 5883 की आपको फ्यूल इंजन डिस्प्लेसमेंट साथ में मिलती है। क्लच सिंगल ड्राइव प्लेट क्लच मिलता है आपको इस गाड़ी में, 380 mm डायगा प्लस बूस्टर के साथ आपको मिलता है यह। गियर बॉक्स की बात की जाए तो यहाँ पे आपको जैसा गियर बॉक्स है थोड़ा सा कवरिंग हुआ है क्योंकि आपको दिखा नहीं पा रहे इजिली, यहाँ पे आप देख सकते हो गियर बॉक्स G1150 G, अगर 9-स्पीड में आप गाड़ी लेते हो, और G95 आपका 950 साथ में मिलेगा अगर 6-स्पीड आप गाड़ी लेते हो। मैक्सिमम स्पीड गाड़ी की 80 किलोमीटर पर आ रहा है। और बैटरीज की बात की जाए तो 2 बैटरीज साथ में आपको मिलेगी, 12 वोल्ट की 2 बैटरीज, 24 वोल्ट का कनेक्शन गाड़ी में रहता है। एमरॉन की बैटरी साथ में आ रही है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो पंप भी यहाँ पर एडजस्ट किया हुआ है, साथ में एडजस्ट कर रखा पंप, और बहुत ही बढ़िया बात है। यहीं सर आप एयर वगैरह यहाँ से निकाल सकते हो गाड़ी की, बहुत ईजली कंट्रोलेबल है पंप यहाँ से। कैबिन की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो साइड पर आपको साइड देखने के लिए ओरिजिनल टाटा के मिरर्स लगे हुए हैं दोनों तरफ। यहाँ पे देख सकते एसी के लिए यहाँ पे वेंट दिया गया, यहाँ पे आपको एसी की हवा लेगा, जब ब्लोअर आप ले रहे हो गाड़ी में तो भी यहाँ से हवा लेगा। जाली बहुत ही बड़ी जाली गाड़ी की बनाई गई है, एयर इनटेक बहुत ही बड़ा रखा हुआ है। यहाँ से बम्पर में भी आप देख सकते हो एयर इनटेक दिया हुआ है ताकि इंजन वगैरह ठंडा रह सके, रेडिएटर भी ठंडा रह सके। यहाँ पे आप देख सकते हो लैंपिंग का जो हेड लैंप है बहुत ही अच्छी क्वालिटी के यहाँ पे दिए, बम्पर बहुत ही मजबूत है गाड़ी का। वाइपर मशीन की सेटिंग बिल्कुल नीचे की गई है और शीशे का काम बहुत ही बड़ा शीशा हैवी
आगे की तरफ लाइट भी रहती हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो पार्किंग लाइट्स भी यहाँ पे आपको साथ में मिलेंगी। ब्रांडिंग आपकी देख सकते हो, क्रोम की वेल्डिंग ब्रांडिंग है 4023 मार्क का। इंडिकेटर साथ में जैसे बार तो व्यंजन में आजकल आ रहा है, आपको ये बल्ब वाला है वो उसमें LED वाला मिलता है आपको साथ में। हैंड ब्रेक की ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलती है, यहाँ पे आप हैंड ब्रेक गाड़ी का इंस्टॉल कर सकते हो। प्रेशर एयर ब्रेक है ABS के साथ सर्विस ब्रेक, और यहाँ पे एक्सीलेटर जो इसका गाड़ी का वो इलेक्ट्रॉनिक एक्सीलेटर आ रहा है साथ में गाड़ी का, सारी वायरिंग इलेक्ट्रिक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ब्रेक, प्रेशर ब्रेक काम कर रही है। क्लच देख सकते हो आप, 380 डायर का क्लच आपको साथ में इस गाड़ी में मिल रहा है। अल्टरनेटर जो गाड़ी का काम करता है वो भी तकरीबन 80 एम्पियर का करंट से आप काम लेंगे वहाँ से। और यहाँ पे देख सकते हो जो कनेक्टर सीट है वो गाड़ी की बहुत ही बढ़िया दी गई है। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो गाड़ी की यहाँ पे कोई सीट्स नहीं दी गई है। और जब वोंट है, वोंट उठा कर ही हम गाड़ी में कोई भी काम कर सकते हैं, क्योंकि इसका गाड़ी का कैबिन लिफ्ट नहीं हो पा रहा। तो जो हम सीट यहाँ पर लगाएंगे, पूरी बेड बनाएंगे और वो ओपन सीट करेंगे, ताकि खोल भी सकता है आराम से ड्राइवर या मालिक कोई भी, उसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। वो सीट हम निकाल देंगे यहाँ से, पीछे की तरफ बिग मिरर दिया गया है यहाँ पे, पीछे की साइड जैसे हम देख सकते हैं गाड़ी खड़ी हैं, पीछे की तरफ आप देख सकते हो, ऊपर देख सकते हो आप, यहाँ पे आपको लैंप मिलेगा वाइट लाइट LED लाइट्स। और यहाँ पे देख सकते हो ब्लोअर के ऑप्शन भी, AC की ऑप्शन भी साथ में यहाँ पर आपको मिलती है। यहाँ पे आपको AC का ऑप्शन यहाँ पे मिलता है, फ़ैन भी है गाड़ी में। हेल्प का बटन यहाँ पे दिया हुआ है, इस हेल्प बटन का काम यही है कि अगर गाड़ी आपकी ट्रैफिक जाम में है, जब किसी बॉम्ब ब्लास्ट में गाड़ी किसी ऐसे एरिया में गाड़ी फंस गई है जहाँ से गाड़ी आपकी निकल नहीं पा रही, तो सेंड हेल्प यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है। ऑल इंडिकेटर्स और पार्किंग का आपको साथ में काफ़ी ऑप्शन मिलता है। जो आपका क्लस्टर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो आपका वही जैसे आजकल सभी गाड़ी में आ रहा है, फ्रंट एयर ब्रेक एयर बार, आपको रियर एयर बार, फ्यूल टैंक और टेम्परेचर RPM और किलोमीटर पर आवर की सारा काम आपको साथ में यहाँ पर मिलता है। ऊपर देखो बहुत ही बढ़िया तरह की फाइबर लगी हुई है और AC के लिए बहुत ही अच्छी है, और गाड़ी पूरी ठंडी रहती है बिल्कुल पीछे की तरफ। और बहुत ही बढ़िया बात यहाँ पे देख सकते हो, कॉम्बिनेशन बनाया गया है लाइट कलर का और डार्क कलर का, यहाँ पे कॉम्बिनेशन साथ में आपको बनाया गया है। सीट बेल्ट का यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छी तरह से काम मिलेगा, सीट बेल्ट दोनों गाड़ी में, दोनों जगह सीट बेल्ट लगी हुई हैं। और फायर इनटेक, फायर एक्सटिंग्विशर भी साथ में मिलता है यहाँ पे, आप साथ में बॉक्स भी मिलता है जिसमें आपको सर्विस मैनुअल गाड़ी का 4023 का सर्विस मैनुअल भी मिलेगा, और टूल्स मिलते हैं, बिल पाना मिलता है, और कटआउट स्विच भी साथ में मिलेगा यहाँ पे, और वारंटी कार्ड, बैटरीज का वारंटी कार्ड भी आपको साथ में मिलेगा। दूसरा आपको कटआउट स्विच साथ में घोड़े को ज्वाइंट करने के लिए, यहाँ पे आप देख सकते हो एक और आपको जंपर केबल भी साथ में मिलेगा, यहाँ पे आपको सॉकेट के आप जोड़ सकते हो, ज्वाइंट कर सकते हो, और ट्रायंगल्स आई कैट वगैरह साथ में यहाँ पे आपको मिलेंगे। ये था हमारा कैबिन का व्यू, कैसे लगा आपको? तो बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे आप देख सकते हो सीट्स की रोटेशन भी आप यहाँ पे आप कंट्रोल कर सकते हो, यहाँ से यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही आरामदायक सीट, ड्राइवर सीट और सीट्स आपको मिलेंगी यहाँ पे। सस्पेंडेड सीट एडजस्टमेंट्स आपको जैसे कंट्रोल्स जहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको सारा मिलेगा। और इसके जो टायर साथ में आते हैं, जैसे इस गाड़ी में ट्यूबलेस टायर्स यहाँ पे आपको मिले हैं, जो ट्यूबलेस टायर्स जो गाड़ी में आते हैं वो 295/80 R22 ट्यूबलेस टायर्स। अगर आप ट्यूबलेस टायर्स बिना ट्यूब वाले टायर्स लेते हो तो 10 R20 16 PR के साथ में टायर्स मिलते हैं, 6 टायर साथ में मिलते हैं प्लस स्पेयर टायर एक, टोटल 7 टायर्स। ग्राउंड क्लियरेंस है जो गाड़ी की 250 mm की क्लियरेंस है, विड्थ है जो गाड़ी की वो 2565 mm की विड्थ रहती है, और लेंथ है जो 5625 mm की लेंथ रहती है। रियर ओवरहेल हैंग और फ्रंट हैंग भी आपके साथ, जो फ्रंट हैंग है ओवर हैंग है वो आपको 1370 mm का मिलता है, और रियर हैंग आपको 1055 mm का मिलता है। और दूसरी बात यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का जहाँ पे आपको ट्रॉली फिक्स करने के लिए जॉइंट यहाँ पे आपको दिया गया है, बहुत ही हैवी यहाँ पे आपको दिया जाता है। ग्रीसिंग आप कर सकते हो यहाँ पे, लॉकिंग का ऑप्शन बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे पीछे वाले टायर्स हैं देख सकते हो, जो पीछे के टायर्स हैं
उसमें आपको पूरा मडगार्ड मिलेगा और पूरा कवरिंग नीचे से लेकर ऊपर तक कवरिंग, टाटा की ब्रांडिंग यहाँ साथ में रहती है, दोनों तरफ ऐसा ही काम रहता है। एग्जॉस्ट सिस्टम में देख सकते हो आप, सेंसर्स गाड़ी में लगे हुए हैं दोनों तरफ, सेंसर्स पे गाड़ी काम करती है। म्यूज़िक सिस्टम गाड़ी में कोई नहीं मिलता, म्यूज़िक सिस्टम पावर विंडोज़ नहीं मिलती गाड़ी में, और ABS मिलता है, एग्जॉस्ट ब्रेक साथ में मिलती है, डिफरेंशियल लॉक नहीं मिलता, सीट बेल्ट साथ में आपको मिलेंगी, फॉग लाइट नहीं मिलती, ट्यूबलेस टायर्स आपको ऑप्शन रहते हैं गाड़ी में, अगर आप लगवाते कैसे आप लेते हो, जैसे इस गाड़ी में आगे तरफ ट्यूबलेस टायर्स हैं, पीछे की वाले ट्यूब वाले टायर्स। ये था कैबिन का व्यू हमारा, आपको कैसा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। कटआउट स्विच भी अंदर की तरफ यहाँ पे दी हुई है बैटरी की, यहाँ देखो थोड़ा सा अंदर की तरफ दिया गया है यहाँ बैटरी की कटआउट स्विच। यहाँ पे आप देख सकते हो जो कनेक्टर्स हैं गाड़ी के, यहाँ पे आप उसको कनेक्ट कर सकते हो। इसकी जो वायर्स है बहुत ही बड़ी वायर्स साथ में दी गई हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो कनेक्टर्स बहुत ही अच्छी तरह के अल्युमिनियम के कनेक्टर्स हैं।